हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन के टिंडे। देखिए, टिंडे इन्हीं मौसम में मिलते हैं, बस अभी एक आध महीना और मिलेंगे, फिर ये ख़त्म हो जाते हैं जैसे जैसे सर्दी आने लगती है। ये गर्मी और बारिश में ही मिलते हैं। तो इन ये लिए मैंने आधा किलो टिंडे हैं, इनको मैं छिलका उतार लूँगी इनका। बिल्कुल ऐसे करके इनका हम छिलका उतार लेते हैं, ऐसे पूरा सबका छिलका उतार लेती, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने छील लिए हैं और इनको मैंने अब मैं इनको ऐसे काटूंगी कि ये बीच में से इस तरह से हाफ करूंगी कि आर पार नहीं हो, ऐसे रहे। इसमें हम बेसन का मसाला भरेंगे। देखिए इस तरह से मैं सारे टिंडे अपने ये ऐसे लगा, ये देखिए बहुत अच्छे कच्चे टिंडे हैं, बढ़िया। आप देख लीजिएगा अगर बीज पके हुए निकले, बड़े बीज हो, आजकल पकने भी लगा है, टिंडे के बीज पकने लगे, तो आप वो टिंडा मत यूज़ करिएगा, उसमें फिर खाने में बीज आएंगे। देखिए कितने कच्चे हैं, एकदम ऐसे कच्चे टिंडे आप यूज़ करिएगा। बस ये मैं ऐसे करके कट करके रख रही हूँ और फिर मैं मसाला बनाऊंगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये टिंडों को मैंने ऐसे कट लगा दिया था, पूरे टिंडों को। अब इसमें हम मसाला भरेंगे। तो इसके लिए मैं पहले ये मैंने आधा कटोरी बेसन लिया है, इसको मैं सूखा बिना घी के लाल लाल भून लूँगी पूरे बेसन को, आधा कटोरी। इसको हम पूरे को अभी यूज़ नहीं करेंगे, मैं कैसे यूज़ करूँगी आपको दिखाऊँगी। हम इसको लाल लाल भून लेते हैं पहले, इसको भून करके फिर हम मसाला बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम उसमें क्या क्या मसाला डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बेसन कितना अच्छे लाल एकदम गुलाबी भून लिया है। इसको हम दो चम्मच बेसन लेंगे भर के। देखिए ये आधा कप मैंने लिया था और ये भूनने से फूल जाता है, तो ये बहुत बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो डबल हो गया ये फूल करके, सूखा भुना था मैंने। ये मैंने दो बड़े चम्मच बेसन ले लिया है भुना हुआ। इसमें मैं डालूंगी भुना हुआ पिसा जीरा एक चाय का चम्मच, मिर्च स्वाद अनुसार, पिसी सौंफ दो चम्मच और थोड़ा सा नमक, बहुत नमक ज़्यादा नहीं डालिएगा, उससे क्या होता है कि अभी हमें जो ग्रेवी का मसाला बनाएंगे उसमें भी नमक पड़ेगा, तो नमक ही ज़्यादा हो जाएगा। इसमें हम और मसाला नहीं डालेंगे, वैसे तो आप चाहें तो इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं ऐड करती हूँ, नहीं तो बहुत तेज मसाला हो जाता है, क्योंकि हम ग्रेवी पे भी थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड करेंगे। अब मैं इस मसाले को थोड़ा सा ऑयल डालकर और थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैं गाढ़ा कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने बस ये दो चम्मच करीब, डेढ़ चम्मच चाय का चम्मच ही मैंने ऑयल डाला है, और इस मसाले को मैं पूरा इसमें ऐसे मिला लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अभी मैंने बस आधा चम्मच पानी इसमें डाला है। ये मसाला बिल्कुल लिपटा हुआ सा होना चाहिए, इसे इजीली भर जाए। तकरीबन बस एक टीस्पून मैंने, देखिए जिस स्पून से मैं मिला रही हूँ, ये एक स्पून अभी तक पानी डाला है, और मुझे लगता है इसी में काम हो जाएगा। अब हम चाकू की मदद से इसमें मसाला भर देंगे। मैंने आपको पिछली बार स्टफ्ड प्याज दिखाई थी, अनियन, मैं उसका लिंक डालूंगी, आप उसको देखिएगा, उसमें भी मैंने इसी तरह से मसाला भरा है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इनको ऐसे धीरे धीरे भर लेंगे इसमें मसाला।
के फिर हल्का सा ऐसे बीच में से हम जीरा लगा इसको फाड़ देंगे। इसको मैं इस तरह से, आप चाकू की मदद से भरना चाहें तो आप चाकू की मदद से भी भर सकते हैं, लेकिन इसके हमें चारों पार्ट में मसाला जाना चाहिए इसमें अंदर। इस तरह से ये देखिए ऐसे हम इसको मसाला भर के इस तरह से करके हम इसको रख लेंगे। इस तरह से मैं अपनी सारी टिंडी स्टफ कर दूँगी। बहुत इजीली स्टफ़ हो जाते हैं इसमें। प्याज में थोड़ा सा मुश्किल होता है कि प्याज थोड़ा सा भी करने से, जो हमने इसमें स्लिक किया है तो थोड़ा सा भी करने से क्या होता है, प्याज टूट जाती है बड़ी जल्दी। इन टिंडे में ऐसी परेशानी नहीं होती, लेकिन आप ये याद रखिएगा टिंडे आपको कच्चे लेने हैं बिल्कुल, जिसमें बीज पका हुआ ना हो। देखिए फ्रेंड्स, ये टिंडे भर गए हैं ऐसे। इनको मैं कॉर्नफ्लावर में इस तरह से ऐसे लगा लूँगी ताकि ये पूरे में कोट हो जाए ऊपर। इस तरह से ये सील हो जाएगा कॉर्नफ्लावर से। तो मैं सारे टिंडों को मुंह पर से ऐसे कॉर्नफ्लावर से सील कर दूँगी, नहीं तो ये मसाला फूलता है और ये कई दफ़े फूलकर बाहर भी आ जाता है। लेकिन क्या है, हम पहले सेकने का भी इसका तरीका है, उससे भी मसाला बाहर नहीं आता है, वो मैं आपको भी बता दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पैन रख दिया है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ, इतना कि पूरे पैन में स्प्रेड हो जाए। और अब हम इसमें ये टिंडे धीरे धीरे हम सेक लेंगे, लाल लाल इनको हम सेकेंगे, पर पैन गर्म हो जाए तब मैं इसको डालूँगी। पूरे पैन को मैंने ग्रीस कर लिया है, ऑयल कर लिया है, इतना ही ऑयल है कि पैन में चारों तरफ ये स्प्रेड हो जाए अच्छे से। अब हम इन टिंडों को ऐसे मुंह की तरफ उल्टा ऐसे रखेंगे। देखिए इस तरह से इसलिए रखा जाता है जिससे जो ये सील है होता है तो ये मसाला फूल के बाहर नहीं आएगा और सिक के अंदर दब जाएगा। तो हमेशा जहां से मुंह ओपन है, जैसे हम कचौड़ी भी डालते हैं तलते हैं, तो जहाँ उसका जोड़ होता है हम वहीं से कचौड़ियों को अंदर कढ़ाई में डालते हैं, उससे फटने का डर नहीं रहता और वो सील हो जाता है। इसको हम यहाँ ऐसे सिकने देते हैं धीरे धीरे। ये लाल सेक लेंगे हम दोनों साइड से, हम इसको लाल लाल सेक लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने पलट के दिखा रही हूँ, देखिए सिक गया है। इसी तरह हम अपने सारे टिंडे ऐसे पलट लेंगे धीरे धीरे, इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं सेकिएगा, इसी तरह हल्का हल्का सेकिए। ये देखिए कितना अच्छे से सिक गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, उधर वो टिंडे भून रहे हैं, लाल लाल हो रहे हैं, बस वो हो जाएंगे फटाफट। और इधर मैं इसकी ग्रेवी बना रही हूँ मसाला। देखिए मैंने एक टीस्पून बस ऑयल डाला है। देखिए टिंडे सिक गए हैं दूसरी तरफ से भी, फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे सिक गए हैं दूसरी तरफ से भी, देखिए सब लाल हो गए हैं हल्के हल्के से। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बस ये हो गए हैं। अब हम इनको और नहीं भूनेंगे, सब तरफ से ये लाल हो गए हैं बिल्कुल अच्छे से। बस ये ऐसे ही टिंडे अब रखे रहने दूंगी मैं, और मैं अब ये मसाला बना लेती हूँ।
देखिए फ्रेंड, इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा हाफ टी स्पून, थोड़ी सी हींग, बिल्कुल बहुत जरा सी हींग बस खुशबू के लिए। इसमें ये भुना हुआ बेसन डाल रही हूँ मैं, 2 टेबलस्पून, बस उससे ज्यादा हम नहीं डालेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून, पिसी हुई सूखी हुई अदरक जिसको हम जिंजर पाउडर भी कहते हैं, थोड़ी सी हल्दी, हाफ टी स्पून जीरा भुना हुआ, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, और पिसी हुई सौंफ हाफ टी स्पून। ये सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है और पूरे को इसको मिला दिया है। ये स्पून मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा, मैं बदल रही हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा फ्लेम को मैंने बढ़ा दिया है, थोड़ा सा सिकेगा ये मसाला बस सूखा इसी तरह से। और अब हम इसमें डालेंगे ये फिटा हुआ दही है, थोड़ा सा खट्टा है, बहुत खट्टा नहीं है, इसको मैं इसमें डाल करके ऐसे मिला दूंगी पूरे मसाले में। और फ्लेम को मैंने सिम कर दिया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया ये मसाला एकदम देखिए भुन गया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, अभी मैंने 1 कप पानी डाला है, और जो मसाला मैंने इसमें भरा था ये बचा है 1 टीस्पून बचा है, वो मैंने इसी में ऐड कर दिया है। अब हम इस मसाले को धीरे धीरे पूरे पानी में मिक्स कर लेंगे, आप चिंता मत करिएगा बिल्कुल भी इसमें गोलियां नहीं आती हैं। फ्लेम मैंने फुल कर दी है और मैं इस मसाले को थोड़ा सा पकने दूंगी, खदकने दूंगी। देखिए इसमें खटाई के लिए आप बाद में इमली या नींबू का रस या अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, इसमें दही की ये खटाई बहुत अच्छी लगती है। आप कच्चे आम की भी खटाई इसमें डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो। अब हम इसको थोड़ा सा खदकने देंगे, देखिए पूरा मसाला घुल गया अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, स्वाद के हिसाब से, ये हो गया। इसको सिम करके अब ये सारे टिंडे इसमें मैं उल्टे करके रख दूंगी, जो मुंह का खुला हिस्सा है वो मैं नीचे करूंगी ऐसे, अगर सीधा पड़ भी जाए तो आप इसको उल्टा कर दीजिए ऐसे, ये उल्टे ही पड़ेंगे ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने रख दिया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, तकरीबन 1/2 कप। बस देखिए 1/2 कप पानी डाला है मैंने, और इसको हम अब सिम पर पकने देंगे जब तक टिंडे गल नहीं जाते। कभी कभी टिंडों को गलने में 20 से 25 मिनट भी लगते हैं। फ्रेंड्स इसको 10 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छे से पक रहे हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा पलट दूंगी ऐसे, इस तरह से,
सबको मैं यहाँ से पलट दूंगी। फ्रेंड्स सारे टिंडे मैंने पलट दिए हैं, अब ये जो इनका मसाले का खुला हुआ हिस्सा ये ऊपर हो गया, दूसरी साइड नीचे हो गई, जिससे ये एक से गल जाएंगे। अब इसको मैं फिर से 7-8 मिनट के लिए ढक के रख रही हूँ सिम पर। देखिए फ्रेंड्स टिंडे बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल देखिए मसाला इसमें लिपट गया है, सिमट गया है। फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ और मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मैंने आपको जब दिखाया था उसके बाद मैंने ये 7 मिनट और रखे हैं और ये टिंडे अच्छे से बन गए हैं, क्योंकि गल वो पहले ही गए थे एक साइड से, लेकिन क्योंकि पूरे एक से गलने चाहिए, लेकिन ये टिंडे बिल्कुल बहुत गला मत गलाइएगा नहीं तो टूट जाएंगे निकालते में, तो इसीलिए हल्के से कटकटे से रखिए, तो ये क्या भाप में भी गल जाते हैं। हरी सब्जी है, बहुत ज़्यादा मत गलाइएगा। और आपको मैं ये सर्व करके दिखाती हूँ प्लेट में, और इसमें अभी हम कोई खटाई नहीं डालेंगे। जब हम सर्व करते हैं उस समय आप चाहें तो ऊपर से नींबू या थोड़ी सी इमली इसकी ग्रेवी में आप डाल सकते हैं। इसमें प्लेट में निकाल रही हूँ, नीचे से मैं मसाला भी लेती आ रही हूँ साथ में। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से पूरे टिंडे निकाल दिए हैं, इसकी ग्रेवी भी मैंने निकाल दी है जो हम साइड में प्लेट में ऐसे लगा डाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पूरा थोड़े सा गरम मसाला, इसमें ग्रेवी में अंदर नहीं डालते हैं। ऊपर से इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और आप इस पे ऊपर से इस समय नींबू और हरी मिर्च डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स तैयार है ये स्टफ्ड मसाले के टिंडे बेसन के, आप इसको ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कैसे बने। आप इसके साथ राइस भी खा सकते हैं, खस्ता पराठे भी खा सकते हैं और रोटी भी खा सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स अनूठी में विजिट करने के लिए। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।